दूसरे T20 में टीम इंडिया ने बाजी मारी, अब है सीरीज जीतने की तैयारी। रोहित ने फिर किए टीम में बदलाव, फ्लॉप खिलाड़ियों को कर दिया बाहर। नागपुर में खेले गए दूसरे T20 मैच को टीम इंडिया ने 6 विकेट से अपने नाम किया। भारत ने इस जीत के साथ ही सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और अक्षर पटेल ने बेहतरीन खेल दिखाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 से कई सारे फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर करने का फैसला किया है। चलिए आपको बताते हैं कि तीसरे T20 मैच में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। ये होगी ओपनिंग जोड़ी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी पारी खेलते हुए सिर्फ 20 गेंदों में ही 46 रन ठोक दिए थे। वहीं केएल राहुल भी अच्छी लय में नजर आए थे। तीसरे मैच में भी ये दोनों स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। वहीं नंबर 3 पर टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट कोहली का उतरना तय है। कोहली जब अपनी लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। टीम इंडिया को अगर ये तीसरा T20 मैच जीतना है तो कम से कम टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाजों को दमखम दिखाना ही होगा। ऐसा रहेगा भारत का मिडिल ऑर्डर। 4th नंबर पर सूर्य कुमार यादव को जगह मिलेगी। सूर्य कुमार यादव अपने आतिशी स्ट्रोक्स के लिए काफी फेमस हैं। सूर्य दूसरे T20 मैच में बिना खाता खोले ही पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन तीसरे मैच में वो इसकी कसक निकालना चाहेंगे। पांड्या को फिर दिखाना होगा दम। 5वें नंबर पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। हार्दिक ने गेंद और बल्ले से कमाल का खेल दिखाया है। वो टीम इंडिया में 2-2 खिलाड़ियों का काम करते हैं, क्योंकि वो गेंद से भी कमाल करते हैं और बल्ले से भी धमाल मचा सकते हैं। ऐसे में पांड्या पर टीम इंडिया को जीत दिलाने की थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी रहेगी। ऋषभ पंत का कटेगा पत्ता। तीसरे T20 मैच में विकेटकीपर की जिम्मेदारी दिनेश कार्तिक को दी जाएगी। कार्तिक ने दूसरे T20 मैच में सिर्फ 2 ही गेंदों पर 10 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। हालांकि वो मैच 8-8 ओवर का था, इसी वजह से भारतीय टीम एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ उतरी थी। लेकिन तीसरे मैच में पंत की प्लेइंग 11 से छुट्टी तय है। अक्षर पटेल का खेलना बिल्कुल पक्का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों ही T20 मैचों में अक्षर पटेल ने अपनी गेंदों से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। दोनों मैचों में उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए हैं और वो टीम इंडिया के सबसे सफल गेंदबाज भी रहे हैं। ऐसे में अक्षर पटेल का खेलना बिल्कुल तय है। वहीं युजवेंद्र चहल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में युजवेंद्र चहल की जगह कप्तान रोहित शर्मा रवि बिश्नोई को तीसरे T20 मैच में मौका देंगे। इन गेंदबाजों को मिलेगा मौका। नागपुर T20 मैच में जसप्रीत बुमराह ने दमदार वापसी की। उन्होंने अपनी यॉर्कर गेंदों से सभी का दिल जीत लिया। वहीं हर्षल पटेल वापसी के बाद से ही लय में नजर नहीं आ रहे हैं और काफी महंगे साबित हो रहे हैं। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा उनकी जगह दीपक चाहर को प्लेइंग 11 में मौका देंगे। और वहीं भुवनेश्वर कुमार की भी टीम में वापसी होगी। अब आप सोचेंगे कि भूवी की वापसी क्यों होगी, तो आपको बता दें कि पिछला T20 मैच सिर्फ 8-8 ओवर का था, तो ऐसे में टीम इंडिया एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ उतरी थी। लेकिन अब तीसरे T20 मैच में भुवनेश्वर कुमार आपको एक बार फिर से वापसी करते हुए दिखाई देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि तीसरे T20 मैच में कैसी रह सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, रवि बिश्नोई और जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों, ये है तीसरे T20 मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से टीम इंडिया ने नागपुर में दूसरा T20 मैच जीता है, क्या टीम इंडिया ये सीरीज जीत पाएगी? क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 मैच में हरा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।